हेलो गाइज, मैं नदीम अहमद और ये मेरा दोस्त जैब, और आज हम जा रहे हैं टोड़ा भीम से दिल्ली बाई कार। तो गाइज चलते हैं, नज़ारा आपको दिखाते हैं रास्तों का। तो ये आ गई हमारी गाड़ी और हम जा रहे हैं दिल्ली। बैठ बैठ बैठ। सदर थाना महुआ के आगे से हमने लिया लेफ्ट, और ये जो रास्ता गया सीधा ये जा रहा भरतपुर आगरा, और ये हमने ले लिया मंडावर के लिए लेफ्ट टर्न, और ये निकलेगा सीधा दिल्ली मुंबई हाईवे, जो नया हाईवे बन रहा है अभी, जिसका काम चल रहा है। वो हाईवे हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे और सीधा वहाँ से निकलेंगे हम लोग दिल्ली। बताओ हम कहाँ पहुँच चुके हैं? हम मंडावर पहुँच चुके हैं गाइस, और हम जा रहे हैं अभी अलवर की साइड। अलवर वाला जो रोड है वो हम लोगों ने पकड़ लिया है, और वहाँ से सीधा हम चढ़ेंगे दिल्ली मुंबई हाईवे पे, सीधा ऊपर हाईवे से सीधा नॉन स्टॉप दिल्ली। बीच में अगर हमारा मन किया कहीं रुकने का या किसी ढाबे पे चाय नाश्ता करने का, तो हम वहाँ रुकेंगे। मैं भी जिंदगी देता हूँ, और अगर तुम सदकात जाहिर करके दो तब भी अच्छा है, और अगर इनको छुपा कर तुम्हारे अहमदाबाद से और बड़ौदा तक जो हाईवे बना हुआ है, सेम हाईवे वही फील दे रहा है। बहुत बड़ा हाईवे, देख सकते हो आप कितना चौड़ा हाईवे बन गया है। बेहतरीन 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 हाईवे। जानी हमारी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है? 140 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है। और तुम्हें फील हो रहा है कि 140 की स्पीड में हम इस हाईवे पे चल रहे हैं? 70 की स्पीड का हो रहा है गाइस, हाईवे बहुत अच्छा है। वास्तव में इस हाईवे को देखिए, एकदम मेरा दिल खुश हो गया है कि यार वाह यार क्या हाईवे बनाया है, मजा आ गया यार मेरे को, वास्तव में मजा आ गया। हाईवे है ये, अभी पूरी तरह चालू नहीं है, अभी सिर्फ दौसा से दिल्ली, यानी कि दौसा जो है राजस्थान में पड़ता है, दौसा से दिल्ली तक ये हाईवे चालू किया गया है अभी। बाकी ये जो हाईवे है ये दिल्ली से मुंबई, और इसकी दूरी तय की गई है दिल्ली से मुंबई तक की, आई थिंक 12 घंटे, साढ़े बारह घंटे दिल्ली से मुंबई तक की दूरी इस पे तय की गई है कि बाई कार हम लोग दिल्ली से मुंबई 12.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। ओ यार वाह यार। जानी दिल्ली आए और छोले भटूरे ना खाए, तो खाक दिल्ली आए। दिल्ली के छोले भटूरे
सुबह सुबह उतरते के साथ ही दिल्ली में छोले भटूरे का आनंद लेता हुआ जो हमारे साथ था वो हमें छोड़ गया, खेले ना छोड़ गया, हमें धोखा दे दिया, धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। हेलो गाइस, हम खड़े हैं अभी दिल्ली मेट्रो के द्वारका स्टेशन पे। मैं और मेरे साथ में है डियर जैब जो कि टोडा भीम से मेरे साथ में आया है, और अभी हम जा रहे हैं, मेरे एक बहुत पुराने मित्र हैं उनसे मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ वसंत बिहार। तो वसंत बिहार अभी यहाँ से हम जाएंगे द्वारका से। तो गाइज हम लोग मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं, दिल्ली मेट्रो जो कि वर्ल्ड की सबसे नंबर वन मेट्रो है, मेट्रो में सबसे नंबर वन पे दिल्ली मेट्रो आती है गाइज। तो उसी मेट्रो का हम सफ़र करके पहुँचेंगे वसंत बिहार और वहाँ मिलूँगा मैं अपने दोस्त से। गाइज हम घुसने वाले हैं मेट्रो में, और ये मेट्रो में हम घुस गए, मेट्रो का दरवाज़ा घुस गए दिल्ली मेट्रो। पहुँच चुके हैं दिल्ली और हम, हेलो गाइज, हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, वसंत बिहार, और दिल्ली मेट्रो का मज़ा ले रहे हो। दिल्ली मेट्रो में ये तो बस वाला जानी हम कहाँ जा रहे हैं, उदास हो रहा है लड़का, घबरा गया दिल्ली को देख के। सो गाइस हम उतर चुके हैं जनकपुरी वेस्ट में, और अभी हम जा रहे हैं नीचे 6 नंबर की लाइन पे, और वहाँ से 6 नंबर की लाइन है क्या आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, जाके मालूम करूँगा। उधर से हमें पकड़ना है वसंत विहार का मेट्रो और सीधा वसंत विहार। जानी पता नहीं क्यों क्यों नर्वस हो रहे हैं, जानी क्यों नर्वस हो, नर्वस क्यों हो रहे हो, नर्वस की मां की यार, दिल्ली में बिल्कुल नर्वस फील कर रहे हैं हमारे जानी, नर्वस फील नहीं कर रहे, सुस्ती आ रही है, नींद का घुमा रहा है, इसको डर लग रहा है यार, डर लग रहा है इसको। हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ दिल्ली में अपने दोस्त के पास जिसके बारे में आपको बता रहा था कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, तो मैं उनके पास आ चुका हूँ। तो मैं जिनके पास आया हूँ वो हैं ये शख्सियत हेलो जो मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह रखती है, बहुत बड़ी हैसियत रखती है, वो है नीरज भाई। तो नीरज जी कोई काम नहीं, ठीक है, चलेगा, डस्टबिन खाली कर दें, डस्टबिन ये मेरे बहुत पुराने दोस्त। जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, अभी तो हम वीडियो में लेने वाला था आपको, तो मैं आज मैं आया हूँ इनके पास में, तो मेरी मुलाकात यहाँ हुई है विवेक जी के साथ भी हुई है, और विवेक जी बहुत अच्छा, मुझे इनका व्यवहार लगा, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके मुझे, और ये राजस्थान से हैं, और बेस्ट ऑफ लक विवेक जी फॉर योर एग्जाम। नहीं बताऊँगा किस चीज़ का एग्जाम देने जा रहे हैं, बस आप लोग दुआएं कीजिए इनके लिए। हेलो गाइज, आज का खाना मैं यानी कि आज का जो लंच है वो मैं आज कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपको बता रहा था, मेरे जो दोस्त अजीज मित्र हैं नीरज, जिनके पास मैं दिल्ली आया हूँ, उन्हीं के साथ मैं बैठ के उन्हीं के ऑफिस में लंच कर रहा हूँ, साथ में जो कि गांव से मेरे साथ में आया है, यही मेरे मित्र हैं, इन्होंने बिरयानी वगैरह जो कि बाहर से मंगाया है, तो दिल्ली का तो बिरयानी फेमस है, तो यही बिरयानी हम लोग खा रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं अभी खाने का। गाइज जिस मेट्रो में हम बैठे हुए हैं वो मेट्रो बिल्कुल बिना ड्राइवर के चल रही है, कोई ड्राइवर नहीं है इसमें, अभी नई ट्रेनें दिल्ली मेट्रो ने मतलब चलाई हैं जिनमें कोई ड्राइवर नहीं है, नई लाइन पे, तो जिन्हें ऑपरेट करते हैं मेरे खास अजीज मित्र नीरज, वो एक ऑफिसर हैं, और ये लड़का पता नहीं क्यों बार बार डरे जा रहा है, गुफा जैसे ही आती है ये डर जाता है, और आया जब से दिल्ली में डर रहा है, पता नहीं क्यों डर रहा है, क्या डर है भाई, क्या सज्जन में क्या परेशानी है। गाइज नीरज जो है ना वो वीडियो में आने से डर रहे हैं, हर वीडियो में मतलब ठीक है। तो गाइज ये एक्सीलेटर पर हम चलने वाले हैं, ये है इंडिया का सबसे बड़ा एक्सीलेटर जो है वो है दिल्ली में, कौन सा स्टेशन नीरज, दिखा दिया जनकपुरी वेस्ट बहुत लंबा है, देख सकते हैं कितना लंबा है इधर से नीचे से, अब देख लीजिए इसकी लेंथ,
नीरज भी वीडियो में बराबर आ रहा है और ये मना कर रहा है वीडियो में आने के लिए, लेकिन बराबर आ रहा है। कितना कितना है? हेलो गाइस, हम आ चुके हैं मेरे दोस्त नीरज के रूम पे और जानी दिल्ली आए और मोमोज नहीं खाए तो क्या खा दिल्ली आए हैं? तो यानी हम लोग अभी मोमोज लेकर आए हैं, मोमोज खा रहे हैं, हम वेज खा रहे हैं और नीरज जो है हमारे मेरे फ्रेंड वो नॉन वेज खा रहे हैं। कैसा क्या लग रहा है, मजा कैसा आ रहा है? मजा आ रहा है, बहुत शानदार जगह है, क्या अभी आओ दिल्ली घूमो, मजा आएंगे आपको भी दिल्ली में। और क्या बोलना चाहोगे दिल्ली के लिए? और तो दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली दिल वालों की और पैसे के वालों की क्या है? मुंबई। ये देखिए दिल्ली, दिल्ली काफी मजा आ रहा है, हम लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं मैं और ज़ेब यहाँ पे दोस्तों के साथ में। नहीं नहीं गले तो मैं लग रहा हूँ, गले में लग रहा हूँ। थैंक यू सो मच मिलने के लिए नीरज। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं नीरज के पास से, तो दो शब्द कुछ मेरे लिए नहीं बोलोगे इसमें? बिल्कुल बोलेंगे, मैं फक यू। ये बोलेगा तू मेरे लिए? ये इनका प्रेम है, इनका प्यार है। और मैं जब भी दिल्ली आया करता हूँ तो मैं इन्हीं के पास आता हूँ, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मतलब इनके लिए जगह इतनी है दिल में कि बस मैं शब्द नहीं है मेरे पास। चल ठीक है नीरज, चलते हैं, बाय बाय। ओके, अभी हम हैं रमेश नगर मेट्रो स्टेशन और यहाँ से लेंगे हम करोल बाग के लिए मेट्रो लेकर हम करोल बाग मेट्रो स्टेशन उतरेंगे और वहाँ से उतर कर हम लेंगे हमारी सीधी गाड़ी और गाड़ी लेकर हम निकलेंगे कहाँ? टोड़ा भीम, सीधा टोड़ा भीम हमारे गांव। जानी दिल्ली में कैसा लग रहा है बताओ? बहुत बेहतरीन लग रही है। ये हमारी आ चुकी है मेट्रो, हम जा रहे हैं मेट्रो में अंदर गाइस और करोल बाग उतरेंगे, करोल बाग से हम अपना गाड़ी लेंगे और सीधा टोड़ा भीम। गाइस हम उतर चुके हैं करोल बाग और यहाँ से हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास और हम जा रहे हैं इस रिक्शे में। बहुत दिनों बाद ऐसे रिक्शे में बैठा हूँ, बहुत छोटा था जब जयपुर में ऐसे रिक्शे चला करते थे, जब उन रिक्शों में मैं जाया करता था अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ या दोस्तों के साथ कभी, तो ऐसे रिक्शों में बहुत बैठे हैं जैसे कि देख सकते हैं आप। तो आज काफ़ी सालों बाद, आई थिंक 15 या 16 साल बाद मैं ऐसे रिक्शे में बैठा हूँ, तो इसका भी मज़ा ले रहा हूँ। इन्जॉय एवरी मोमेंट, हर पल को आप इंजॉय करते चलो, अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, तो मज़ा आ रहा है ऐसे ही बस चलने में और काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ मैं अभी इसमें बैठ के। मैं काफ़ी सालों बाद बैठा हूँ, आई थिंक 15-16 साल बाद इस रिक्शे में बैठा हूँ मैं। अब हमारी गाड़ी हमको ढूंढनी पड़ी है, काफ़ी सारी गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है और ड्राइवर जो है हमारा उसको बुलाना पड़ेगा। फोन करता हूँ उसको मैं, ड्राइवर को, वो गाड़ी लेकर आएगा और हम जो कि हम गांव निकल जाएंगे वापस से। अभी हम निकल चुके हैं दिल्ली से टोड़ा भीम के लिए और काफ़ी जाम है क्योंकि दिल्ली में शाम के टाइम तो जाम रहता ही है और आज जाम से थोड़ी राहत इसलिए है क्योंकि आज संडे है, ऑफिस वर्क जो है वो ऑफ है, आज का हॉलीडे है लोगों का, तो काफ़ी लोग ऑफिस नहीं गए हैं तो इस वजह से जाम से थोड़ी राहत मिली है, तो हम जल्दी से ही धोलाकुआ आ गए हैं और इस रास्ते को भी जल्दी से ही हम पार कर लेंगे और जल्दी से हम हाईवे पकड़कर सीधे टोड़ा में पहुंच जाएंगे। जयपुर, अभी हम जयपुर और दिल्ली हाईवे पे हैं, यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे, लेफ्ट टर्न लेंगे, लेफ्ट टर्न लेके हम गुड़गांव से लेफ्ट टर्न लेके सीधा हम निकलेंगे जो नया हाईवे बना है दिल्ली मुंबई हाईवे जो है, तो वो 2 साल तक है लेकिन हम उससे पहले टर्न मार जाएंगे अलवर से मंडावर, मंडावर से महुआ और महुआ से सीधा टोड़ा भी। Oh, my God.
मजा आ रहा है। चाय पी लेंगे, खाने में हमने कुछ ऑर्डर किया है और जल्दी चाय पी के यहाँ से निकलेंगे सीधा हमारे घर के लिए। पैसा न डाले भाई, हमारा लोग आज के लिए। तो हमने ऑर्डर किया है मटन, मटन कोरमा, और हम इस ढाबे पे मटन कोरमा खा रहे हैं। ये हाईवे है ऊपर, इससे नीचे उतर के हमने रेस्टोरेंट पे आए हैं। और ये रेस्टोरेंट है, ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा रेस्टोरेंट है। ये पूरे देसी तरीके से आज हम लोग यहाँ पे डिनर कर रहे हैं, मैं जैप के साथ और मेरे ड्राइवर के साथ। होटल देख रहे हो, इसी पे मैंने खाना खाया है, यहाँ पे बैठ के इन पलंगों पे बैठ कर। मज़ा आ गया, कसम से, कसम खुदा की एक नंबर आनंद आ गया। गोश्त खाया है, एकदम फुल पेट हो गया। और अभी मेवात में है, मेवात की होटल पे खाना खाया है, तो देख सकते हो कि मेवात में किस तरह की होटल होती हैं। अभी जो हाईवे बना हुआ है दिल्ली से बॉम्बे जो हाईवे है, हरियाणा में मैंने खाना खाया है मेवात में। इस पर हम लोगों ने डिनर किया है और डिनर करके हम जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत लजीज खाना खाने को मिला मुझे आज यहाँ पर। और हाईवे से देखो कितना नीचे उतर के है ये मेरा ड्राइवर और मेरे साथ में जो जेब आया है वो हमारी गाड़ी में बैठते हुए। और इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूँ गाइस। ये वही हाईवे है, दिल्ली मुंबई हाईवे, जो कि बन रहा है। ये मेवात एरिया है गाइस। तो ये रेस्टोरेंट है, कितना प्यारा सा रेस्टोरेंट है। एक पलंग पर बैठा के इन लोगों ने हमको खाना खिलाया गाइस। बड़ा मज़ा आया, बड़ा एकदम बेहतरीन आनंद आ गया। मज़ा आया जेब, अरे बेहतरीन मस्त। इसी के साथ हम हमारा वीडियो समाप्त करते हैं और बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं अपने रास्ते। ड्राइवर चलो। लड़की देखी मोटे सीटी बजे हाथ से ताली।